मध्य प्रदेश में अब कमलनाथ सरकार हर जिले में कांग्रेस कार्यालय बनाएगी। जी हां, कांग्रेस संगठन को मजबूती देने के लिए भाजपा के तर्ज पर सीएम कमलनाथ ने हर जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। एमपी के हर जिले में बनेगा कांग्रेस का हाईटेक कार्यालय। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कमलनाथ ने बनाया प्लान। भाजपा की तर्ज पर एमपी में बनेंगे कांग्रेस के दफ्तर। सीएम कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को जमीन ढूंढने के दिए निर्देश। प्रदेश कांग्रेस अब बीजेपी की राह पर चल पड़ी है। इसी के चलते बीजेपी की तर्ज पर हर जिले में अपने पार्टी के कार्यालय बनाने जा रही है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिले के जिलाध्यक्षों और कांग्रेस के पदाधिकारियों को जमीन ढूंढने के निर्देश दिए हैं। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए सीएम कमलनाथ ने हर जिले के पार्टी दफ्तर से रिपोर्ट मांगी है। यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को भेजी जाएगी। इसके बाद आगे की रणनीति बनेगी। आज भी कई जिलों में हमारे दफ्तर नहीं है। आदरणीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में बेहद अच्छा कांग्रेस का दफ्तर बना रखा है और उनकी ये सोच है कि हर जिले में कांग्रेस का अच्छा दफ्तर होना चाहिए, जिससे कि संगठन को मजबूती हम दे पाए, संगठन को जमीन तक हम और मजबूत कर सके। इसी सोच के साथ कमलनाथ जी ने ये निर्णय लिया है कि हर जिले में कांग्रेस का अच्छा दफ्तर बने। खास बात यह है कि ये कार्यालय पूरी तरह से हाईटेक होंगे, साथ ही उन स्थानों पर बनाए जाएंगे जहां से कार्यालय का खर्च भी निकाला जा सके। वहीं जिन क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक हैं, वहां विधायकों की देखरेख में ये कार्यालय बनेंगे। जहां विधायक नहीं हैं, वहां प्रभारी मंत्री को मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा जाएगा। पार्टी ऐसी जगह तलाश रही है जिसका एक हिस्सा कॉमर्शियल हो और दूसरे हिस्से में कार्यालय, ताकि समय समय पर यहाँ से खर्चा भी निकाला जा सके। भविष्य में खर्चों के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमने जिला कांग्रेस अध्यक्षों को चिट्ठी लिखी कि उनके जिले में अपना भवन है या नहीं है, या उनके पास सिर्फ जमीन है, या किराए के भवन में संचालित है, या किराए के भवन में भी संचालित नहीं है। दरअसल हमारा मूल उद्देश्य जिला कांग्रेस कार्यालय को संचालित करने का, वहाँ से गतिविधियाँ संचालित करने का ये है कि विधानसभा चुनाव से पहले माननीय कमलनाथ जी ने इस प्रदेश की जनता के विकास के लिए वचन पत्र जारी किया था, और उस वचन पत्र के मुताबिक हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता की तकलीफों को दूर करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करें। उस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि यदि जनता को तकलीफ है तो वो जाए कहाँ। इसके लिए आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी का यदि दफ्तर खुला है, दफ्तर संचालित हो रहा है, तो लोग वहाँ जाके अपनी समस्याओं का जिक्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कर सकते हैं, वे उनकी समस्याओं को सुलझाने में मददगार साबित हों। दरअसल अभी तक पार्टी किराए के भवनों में कार्यालय का काम चला रही है। प्रदेश में करीब 43 जिलों में कांग्रेस के कार्यालय किराए के भवनों में बने हैं। इसी के चलते यह प्रस्ताव संगठन की तरफ से दिया गया है। चूंकि 15 साल सत्ता से बाहर रहने के चलते पार्टी को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, यहाँ तक कि राजधानी के PCC की भी हालत खस्ता हो गई थी, लेकिन आने वाले भविष्य में कांग्रेस को इन बातों का सामना न करना पड़े, इसके चलते यह फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।